तो अभी हम कैंटीन के लिए निकल गए हैं, आरपीएफ कैंटीन। ये पूरा एरिया ये बैरक के सामने है बिल्कुल, ये डॉग स्क्वाड है। और ये रेलवे का डॉग स्क्वाड। ये सामने कैंटीन है, पहुंच रहे हैं हम, दिखाते हैं आपको। तो अभी 9:30 बजे की नाइट में बस है, उसके लिए खाने का आइटम्स कैंटीन। ये आरपीएफ कैंटीन, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखे हुए हैं, सॉस, खाने का ये सिस्टम है पूरा। ये सारे बैग यहाँ पे पीछे। ऑर्गेनाइज्ड कैंटीन है बट स्पेस कम है, जरूरत की ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी जो परचून टाइप के हैं वो बाहर मार्केट से मिलेंगे। तो पीछे वो कैंटीन से निकले और इधर ये ग्राउंड है पीछे। और जब आप किसी के साथ ज़्यादा रहो ना तो उसको आपकी पता होती है आदत, तो पेमेंट के टाइम पे पता नहीं कैमरे में क्या कर दिया, बारकोड खूब जोर लगाया, स्कैन नहीं हो रहा। इसे पता है कि 30 सेकंड में दूसरा वाला कहेगा कि मेरे से कर दो पेमेंट, 30 सेकंड नहीं हुआ मेरे क्रेडिट कार्ड से। और मुझे कितना अच्छा लग रहा था, देखो अपनी जेब से आज ये मेरे लिए ये एंड में तलवार चल गई तुम्हारे भाई के ऊपर। ये पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड से ज़्यादा यहाँ के पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये पूरा देखो चमन, अक्षय की तरह, अक्षय कुमार की तरह हाथ ऐसे करो। ये देखो, ये है मामा पूरा। वो मेट्रो है सामने, देखो विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर रोड और मेट्रो, नीचे रोड, पहले रोड, फिर ऊपर फ्लाईओवर रोड, फिर ऊपर मेट्रो। हाँ समझ में, कुछ ऐसा इस टाइप का है वहाँ पे पेड़ों के पीछे। ठीक है, और मैं ये अपने दोस्त के पास आया हूँ नागपुर घूमने के लिए। कई बार वीडियो में देखा भी होगा, ये है चमन चौहान जो आरपीएफ में यहीं पे नागपुर पे हैं, और अभी ASIM यूपी पुलिस में लग गया है, महीने भर में यहाँ से रिजाइन देगा। तो मैंने सोचा घूम लूँ आज, तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कश्मीर में पूरा कॉलोनी होती थी। मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ, पूरा जो हिल एरिया था बिल्कुल वो वाली फीलिंग है यहाँ पर। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ का बैरक देख के लगा, तो हमारा भी यूपी पुलिस का बैरक होता है, तो यहाँ बैरक देखा है मैंने, तो कंपैरिजन आता ही है माइंड में। तो मुझे लगा कि इस बैरक को मैं शूट करूँ, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, तो यही एक्सप्लेन करेगा क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे रहता तो ये बताता चलेगा, मैं दिखाता चलूँगा। ये क्या है, एंट्री गेट है। ठीक, इधर ये पार्किंग हो गई, आप देखिए, मतलब एक गुड़गांव में एक कंपनी होती है ना, गुड़गांव नोएडा में, उस टाइप से ऐसा लग रहा है कि मेरे को एंट्री पे लगा ही नहीं, मुझे लगा जैसे अपने यहाँ पे अधिकारी वगैरह के होते हैं वैसा कुछ ऑफिस है बड़ा। तो सामने जिम है, जिम करके दिखाएंगे। ये पूरा छोटा सा गार्डन इसमें बनाया हुआ है इन लोगों ने, ये बिल्कुल हमारे गांव में हमारे प्रधान जी ने भी ऐसा कुछ बच्चों के लिए सब कुछ लगाया हुआ है, पर यहाँ पे ये सरकार ने लगाया होगा, ये सब गवर्नमेंट ने लगाया है, छोटा सा गार्डन पूछ इधर। सुबह में मतलब इस पे कैसे होते हैं, क्या वेट उठेगा इस पे, इस पे अपना ही वेट उठाना, खुद को ही उठाना। ये है ऐसे, ये तो ये सब यहाँ पे बना हुआ है। चलो बैरक के अंदर देखते हैं कैसा है मामला। ये हमारे लगाए हुए पेड़ है सब, ये देख रहे हैं भैया, सब ये हमारे हैं, हमें लगाए हैं सब यहाँ। जैसा कि पहले भी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, इसको पेड़ों का बहुत शौक है, तो अंदर भी बैरक में और बाहर इसने ये सब कारनामे कर रखे हैं। हम एंट्री करेंगे और एंट्री में देखना है बैरक कैसा है। ये हमारा रिसेप्शन है, पूरा कंपनी के टाइप का रिसेप्शन है, लेकिन ये हो जाता है, उसका आपको करना हो थोड़ा सा मिल ही जाएगा। नहीं यहाँ पे 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से थोड़ा लाइट चालू कर लेना।
ये पूरा एंट्री ये है बैरक आरपीएफ। एक एक चीज माइन्यूटली दिखाऊंगा, फिलहाल चमन का जो बेड है वो देखेंगे। ये और ये चमन का व्यवहार ऐसा ही है, पूरा खाली पड़ा सब इसी के बेड पे पड़े। देखो ये रहे। ये साइड में अलमीरा बना हुआ पूरा सामान रखने के लिए। ये चमन की गिटार और चमन के पेड़, ये पूरा साइड में वहाँ तक सामान रखने के लिए। और हर बेड में कॉन्सेप्ट है हाफ बॉक्स का, ये हाफ बॉक्स अपना सामान नीचे बेड ऊपर। और ये वर्ल्ड क्लास सीलिंग रूफ बनी हुई है, ये जैसा कॉर्पोरेट में होता है। और नीचे टाइल्स पूरा लग के ये पूरा बैरक है वहाँ तक, पूरा लाइट्स। और ये वेंट्स हैं, कूलर वेंट्स। अब यहाँ का जो वो है मौसम वो भी इतना वो नहीं है, गर्म नहीं है, काफ़ी कूल एनवायरनमेंट है। और फिर भी सर्दियों के लिए ये हीटर लगे हुए हैं और पूरा ये वेंट्स लगे हुए हैं कूलर के, जो हवा देते हैं। बाहर से दिखाऊंगा सिस्टम, आपको पता होगा पूरा एक डक्ट लग जाती है जिससे एयर पूरे में फैलाई जाती है। और इधर ये रहा शीशा, ये हाथ धोने का हो गया, ये सारी लैट्रिंग्स हैं, ये सारे बाथरूम हैं। और ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसे नहीं, पूरा गीजर वीजर गर्म ठंडा सब तरह का पानी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जिट है, ये पूरा इधर कपड़े वगैरह सुखाने का एरिया है पूरा, ये पूरी गैलरी दी हुई है। और ये वो डक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये पूरा डक्ट कवर है, ऊपर वहाँ वो कूलर रखा है, वहाँ से एयर आएगी और इस सारे में फैल जाएगी। और ये अंदर कनेक्टेड है बैरक से, एक ही कूलर से सारे में ऊपर से हवा कूल होती रहेगी और फैंस के द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बैरक के अंदर। ये इधर पूरा डक्ट बना हुआ है, ऊपर कनेक्टेड है वो ऐसे जाके कूलर से। और ये ऐसे बैरक में अंदर यहाँ से एयर अंदर आएगी कूलर की, सब में डिस्ट्रीब्यूट होके, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। और जॉइंट कर लो डबल बेड, ना जॉइंट करो सिंगल बेड, ये है चमन का बेड। चमन पढ़ के यहाँ से रॉकेट हो गया, रिजाइन दे देगा अगले महीने सितंबर सितंबर में। ये इनका पूरा किचन है, ये रहा किचन। बाहर अभी कुछ वो रखी हुई है चावल वगैरह, अदरवाइज खाली होता है स्पेस ये। और खाना खाने के बाद इधर से निकल के बर्तन की धुलाई। और ये सामने पूरा ग्रीन एरिया, और वहाँ से एंट्री करी थी, ये पानी के लिए हो गया वाटर कूलर। तो ये सब था बैरक के अंदर का इंटीरियर, पूरा फैसिलिटीज़। और ये छोटा सा पार्क में मैं खड़ा हूँ, तो कैसा लगा आप सब बताइएगा। और अभी हम घूमने जाएंगे, उसका भी कोशिश करेंगे ब्लॉग शूट करने का। ये था कैंटीन फील्ड, साथ में मेट्रो जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, जिसका सबसे ऊंचा मेट्रो, नीचे फ्लाईओवर, नीचे उसके रोड इस टाइप से बना हुआ है। और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था रेलवे का, तो पब्लिक टैक्सेस से बनाया जाता है, बट बनाया जाता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अलॉट तो होता है फंड, कई जगहों पे वो रीच नहीं कर पाता है। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से तो दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ कि किसने बनवाया, और धन्यवाद करता हूँ कि जैसा ऊपर से अलॉट हुआ फंड, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस बैरक को बनाने में किया गया है।